गोपी भाभी ये लीजिए, आपने जो जो सामान मंगाया था मैं सब लेके आई। हाँ मणि बहन, मैं ये सब संभालती हूँ, आप बाहर का काम संभाल लीजिए। पहले क्या करूं? हाँ, रंगाई वालों ने पहले रंग बनाया था, उसके बाद पूरी रंगाई की थी, मुझे याद तो है। मगर कान्हा जी, आप मुझे बताते जाइएगा। हे भगवान, ये तो पतला हो गया, लेकिन रंगाई तो करनी पड़ेगी, वरना त्योहार के दिन माजी दुखी हो जाएगी। मैं थोड़ा और रंग डाल देती हूँ। अब ये ठीक है। पंडित जी कहते हैं सफेद रंग शांति का रंग होता है, और मंदिर में पूजा भी मन की शांति के लिए होती है, तो अब ये बिल्कुल ठीक है। अब समझ में आया कि मणि ये रंग का डिब्बा लेकर यहाँ क्यों आ रही थी। देवर जी आप यहाँ? हाँ भाभी मैं। तो ये सब हो रहा है यहाँ। लेकिन आज आप घर इतनी जल्दी कैसे लौट आए? भाभी वो आज मैं साइट पर था, सोचा सारा दिन लग जाएगा, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया। ऑफिस में भी आज मेरे लिए ज्यादा काम नहीं था, सोचा आज त्योहार का दिन है तो जल्दी घर आ जाऊं। लेकिन भाभी आप ये देवर जी, वो रंगाई वाले भाई ने भूल से ये रंग कर दिया, जबकि माँ जी ने उन्हें कोई और रंग बताया था, इसलिए माँ जी बेचारी बहुत दुखी हो गई। और आपको पता है आज शाम को पूजा भी है, इसलिए मैंने सोचा कि पूजा के पहले मैं खुद ही से। तो ठीक है ना, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी देवर जी। अरे वाह, ठाकुर जी की सेवा करके आप ही सारा पुण्य कमाना चाहती है क्या? हे भगवान, ये तो पहले से भी खराब लग रहा है। हेलो मम्मी। मम्मी बधाई हो, बधाई। धनतेरस की बधाई सवेरे सवेरे? नहीं मम्मी, ये आपकी कलाकारी की बधाई। हाँ, तीर एकदम निशाने पे बैठा है। आज जब कागड़ी ने मंदिर का नया रंग देखा तो उसकी तो जैसे हवा ही निकल गई थी। और फिर वो तो काम काम करती रही कि ये रंग मैंने नहीं चुना है, मैंने नहीं चुना है। लेकिन फिर भी पापा जी ने उन्हें बहुत सुनाया। हाँ, कहा कि तुमसे गलती हो गई होगी तो। शाबाश दिक्री, शाबाश। और उस कागड़ी का मुंह तो एकदम सड़ गया था। अब हमें आगे क्या करना है ये उसी पर निर्भर करेगा कि तेरे घर में आगे आगे क्या घट रहा है। हाँ मम्मी हाँ। अब चलिए मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चल जाके देखती हूँ कागड़ी का क्या हाल हो रहा है। अरे चू करे छा, अरे वो कोना नहीं दिखाई देता है, आंखें हैं या बटन, रोटला खाती हो ना। अब सुनो, बगीचे की सफाई कर लेना, उसके बाद हाँ रंगोली भी निकालनी है तो दरवाजे के पास जो फर्श है उसे ठीक से साफ कर देना। सारे काम मुझे जल्दी चाहिए। नानी भाभी, पहले मैं बगीचे की सफाई कर रही थी, अब ये कमरा, फिर बाद में दरवाजा। बस
हमारे पास समय नहीं है इतना। अबे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये गोपी वह भी कहां रह गई? गोपी वह अब मैं क्या करूं? गोपी वह तू क्या देख रही है? मैं देख रही हूं तुम कितना जल्दी काम कर रही हो। देह चोरी और काम चोरी सब समझ रही हूं मैं अब। कोकिला गोपी को पुकार रही थी, कुछ काम था? हाँ मोटा भाभी, लेकिन ये मेरे और मेरे बहू के बीच की बात है, आप रहने दीजिए। सर, वैसे अगर उसे कोई काम बताना है तो मुझे कह दो, मैं बता दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे बता दूंगी। वैसे एक बात तो है, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूं कि अपनी बात किसी को समझा ना सको। बराबर ना? चलती हूँ। ये गोपी वह कहाँ रह गई? गोपी वह क्या देख रही है? नहीं नहीं, तुम ही बुला लो, घर की मालकिन हो ना, मुझे दो कपड़ा, मैं सफाई करती हूँ। जी माँ जी, कुछ काम था माँ जी। कहाँ रह गई थी तुम? माँ जी वो मैं काम, वो सारे काम भूल जाओ और जो मैं तुमसे कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज शाम की पूजा बहुत महत्वपूर्ण पूजा है, उसकी सारी तैयारी हो चुकी है या नहीं उसे देख लो, और हाँ किसी चीज की कमी हो तो वो मंगवा लेना, अने हाँ रंगोली जरूर निकालना। जी। जाओ। अरे सांभरो, ये क्या हुलिया बनाकर रखा है? मैं मानती हूं त्योहार के दिन है, ज्यादा काम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस तरह से घूमो। जाओ अवे गोपी वह। जी। अब मणि वो साफ हो जाए तो वो टेबल भी साफ कर लो। कान्हा जी, मंदिर की रंगाई का काम भी करना है और शाम की पूजा की तैयारियां भी करनी है। शाम के पहले सारे काम हो जाने चाहिए। कान्हा जी मेरा साथ देना। उमंग फोन क्यों नहीं उठा रहा है? समझती क्या है मुझे? इसको लगता है कि मैं इसके इशारों पर नाचता रहूंगा। हरगिज नहीं, सगाई वाले दिन इसे भगा ले जाने का प्लान तो फ्लॉप हो गया। ऐसा करके मैं अहम के दिल को चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन नहीं, अब लगता है ये भागने भगाने का प्लान छोड़कर कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ नया।